तो आज झटपट सी रेसिपी है जिंगर बर्गर की, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 3 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस हॉट सॉस, 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून केचप का। ये हमारी एक सॉस तैयार हो गई है। दूसरी सॉस के लिए मैंने लिया है 3 टेबल स्पून मेयोनीज, 1 टेबल स्पून हॉट सॉस और सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालिए और इन सबको अच्छे से मिक्स करके रख लीजिए। यहाँ मैंने लिया है सीने का ब्रेस्ट का पीस चिकन का, और इसको मैंने बीच में से आपने इसको कट लगाना है तो ये 4 बन जाएंगे। और इसमें मैंने डाला है नमक, और नमक से मैंने पहले इसको अच्छे से गूंदना है और फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, और काली मिर्च से भी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैं अलग अलग मिक्स इसलिए कर रही हूँ ताकि फ्लेवर इसमें अच्छे से रच बस जाए, और हर चीज़ को मैंने अलग अलग डाल के और मिक्स करना है। फिर मैंने हॉट सॉस इसमें डाला है 2 टीस्पून, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। 1 घंटे को फेंट कर मैंने इसमें मैरिनेट कर दिया है। मैरिनेशन टाइम मैंने इसको 1 घंटे के लिए रखना है, और इसको 1 घंटे के बाद हमने कोट करना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें ऑल पर्पज़ फ्लोर है 1 कप और कॉर्नफ्लावर है 1/2 कप। इन दोनों चीज़ों को हमने आपस में मिक्स कर देना है और बहुत अच्छा ड्राई मसाला तैयार करना है, जिसमें हमने चिली पाउडर डालना है 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, और इसके साथ हमने डालना है काला नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून, और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसका एक अच्छा सा ड्राई मसाला तैयार हो जाए। उसके बाद हमने चिकन को उठा के बिल्कुल देखें इस तरीके से जिस तरह से मैं इसमें कोट कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से मलमल के। हमने कोई इसमें ठंडा पानी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, और इसको बिल्कुल हॉट ऑयल में हमने डाल देना है, और इसकी बहुत अच्छी सी शक्ल आ जाएगी आपको अभी नज़र। तो यहाँ पर मैंने बर्गर्स ले लिए हैं जिनको मैंने दोनों तरफ से गर्म कर लिया है बटर के अंदर। मैंने ये सिंपल ऑयल में भी कर सकते हैं, और सॉसेज में लगा रही हूँ। एक तरफ मैंने सफ़ेद सॉस लगाई है, एक तरफ रेड सॉस लगाई है, और इसमें चिकन का पीस रख दिया है। बहुत ही देखें शानदार बना है, और इसमें गरम गरम चिकन जब गरम गरम होगा तो इसमें हमने स्लाइस का चीज़ का स्लाइस रखना है ताकि इसमें ये मेल्ट हो जाए। बड़ों के लिए सलाद पत्ता, प्याज, टमाटर, खीरा, चटनी ऊपर से डाल दीजिए, और बेहतरीन घर का मज़ेदार बना हुआ बर्गर इंजॉय कीजिए। और साथ में फ़्राइज़ बनाना ना भूलिए, क्योंकि बर्गर के साथ फ़्राइज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। सब घर वालों के लिए बनाइए ताज़ा और अच्छा बर्गर, और मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाक।